नमस्कार, कीर्तिज किचन केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ कीर्ति। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन बनाएंगे। बटर चिकन यानी मुर्ग मखनी घर पे ही बनाएंगे, लेकिन पूरा रेस्टोरेंट जैसा रिच बनाएंगे। कभी कभी रिच खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रेसिपी बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना बटर चिकन। इससे पहले, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे हर वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना यम्मी बटर चिकन रेसिपी रेस्टोरेंट जैसा। धन्यवाद। घर पे जब हम बटर चिकन बनाते हैं तो कभी कभी रेस्टोरेंट जैसा बनता नहीं है। शायद हमारा जो चिकन टिक्का है वो ठीक से बनता नहीं है, हार्ड हो जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में आप देखना कि कैसे आप बढ़िया से चिकन टिक्का बना पाएंगे, बहुत सॉफ्ट और जूसी, ताकि उसे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बटर चिकन हम बना पाएंगे, एकदम सॉफ्ट जूसी चिकन के पीसेस क्रीमी ग्रेवी में। मैंने आज बटर चिकन बोनलेस चिकन के पीसेस से बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो विथ बोन पीसेस के चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ 800 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। अभी इसमें एक चम्मच नमक मिलाएंगे, एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च लेने से कलर बहुत अच्छा आएगा और ज़्यादा तीखा भी नहीं होगा हमारा जो ग्रेवी। इसमें अभी 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा ज़्यादा जाता है नॉनवेज आइटम में, फ्लेवर अच्छा आता है। फिर इसमें लेमन जूस 1 टेबलस्पून मिलाएंगे। लेमन जूस से चिकन सॉफ्ट होते हैं। ये हमारा पहला मैरिनेशन है। इसको अच्छे से मिलाएंगे और 1 घंटे के लिए कवर करके फ्रीज में रख देंगे। चिकन जो टिक्का बनाने के लिए 2 मैरिनेशन होता है। ये पहला वाला मैरिनेशन है। 1 घंटे के बाद फिर से हम मैरिनेट करेंगे। अब हम 1 बड़े चम्मच के करीब बेसन को स्लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे कुछ देर तक। हल्का सा कलर चेंज होने के बाद इसे हम बंद कर देंगे। इसमें से अच्छा खुशबू भी आएगा। इसको बंद करके हम ठंडा करेंगे। अभी ये ऑलमोस्ट थोड़ा कलर चेंज होने लगा है और अच्छा खुशबू भी आने लगा है। अभी इसको बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे, नहीं तो जल जाएगा ये। 1 घंटे के बाद चिकन को फ्रीज से निकाल देंगे। आप सेकेंड मैरिनेशन करेंगे। इसमें 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल को पहले से गर्म करके फिर उसको ठंडा करके मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें 1 बड़े चम्मच जो रोस्ट किए हुए बेसन थे उसको डालेंगे। इसके बाद हम 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ कसूरी मेथी, 1 टीस्पून चाट मसाला इसमें डालेंगे और 1 टीस्पून नहीं तो आधा टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें हम 1 कप यानी 300 ग्राम के करीब हंग कड़ मिलाएंगे। दही को मैंने इस तरह छन्नी में रखी थी ताकि सारा पानी निकल जाए। ध्यान रहे, दही बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से अब सारी चीज़ों को मिलाएंगे। फिर से 1 या आधे घंटे के लिए फ्रीज में इसको रख देंगे। ऐसा करने से जो मसाला सब है सब बहुत अच्छे से चिकन में आ जाएगा उसका फ्लेवर, और हमारा जो चिकन है बहुत सॉफ्ट और नरम बनेंगे। अब ग्रेवी के लिए मसाला रेडी करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के चॉप किया हुआ प्याज लिया है, 4-5 सूखी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून काजू, कुछ गरम मसाला, 1 तेज़पत्ता, 1 टेबलस्पून बटर को हम एक कुकर में डालेंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल के 1 व्हिसिल आने तक पकाएंगे। अभी अच्छे से पक चुके हैं। इसको ठंडा करके हम पीस लेंगे, एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। बटर चिकन का जो ग्रेवी है बहुत क्रीमी होता है, इसका टेक्सचर और स्मूथ होता है, इसलिए इसको ऐसे हमको बॉयल करके पी स्मूथ पेस्ट बनाना है। उसके बाद ही हम मसाला ग्रेवी के लिए रेडी करेंगे। अब इसको छन्नी से छान लेंगे ताकि एक हमको स्मूथ का टेक्सचर मिल जाए। ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है इसलिए मैं थोड़ा पानी मिलाऊंगी अभी मसाले में। इसको अच्छे से हम छान लेंगे और एक स्मूथ टेक्सचर हमें मिल जाएगा। अब ये रेडी है हमारा मसाला पेस्ट, पूरा स्मूथ है। अब एक बेकिंग पैन को हम तेल से ग्रीस करेंगे। मैं 2 तरह के चिकन टिक्का बनाना दिखाऊंगी, एक ओवन पे और एक पैन पे हम बनाएंगे। चिकन के पीसेस को स्क्रीवर्स में गूंथ लेंगे। अगर आपके पास स्क्रीवर्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही
रख सकते हैं बेकिंग ट्रे में। इसको अच्छे से हम स्टीवर में गूंथेंगे, थोड़ा थोड़ा बीच में स्पेस भी देंगे ताकि ये आसानी से बेक हो सके। अब एक प्री हीटेड ओवन पे 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 से 25 मिनट तक इसे हम बेक करेंगे। और दूसरी तरह हम एक पैन लेंगे, उसको गर्म करेंगे थोड़ा तेल डाल के, और इसमें बाकी के जो चिकन पीसेस है वो डाल के हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। इस तरह से रख के हम फ्राई करेंगे। आप ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे बनते हैं और जल्दी भी बनते हैं। कुछ देर बाद इसको पलटा देंगे और अच्छे से दोनों साइड से ब्राउन होने तक पकाएंगे। चिकन के पीसेस को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं, नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगे ठंडे होने के बाद, इसलिए ये जब हो जाए तो इसको तुरंत निकाल दीजिए। हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, मैंने कोई कलर यूज़ नहीं किया है, आप चाहे तो फूड कलर थोड़ा ऐड कर सकते हैं। 2-3 मिनट के बाद ये लगभग हो चुके हैं, अच्छे से पक भी गए हैं। इसको अभी हम निकाल देंगे, कितना अच्छा कलर आया है देखिए, अभी इसको निकाल देंगे। अब जो ओवन पे बेक हुआ था उसको भी निकाल के देखेंगे, ये भी रेडी हो चुके हैं। देखिए दो तरह के चिकन के चिकन टिक्का जो हम बनाए थे रेडी है। ये देखिए कितना अच्छे से अंदर से पके हैं, ये पैन में बनाए थे और जूसी भी है, और ये ओवन पे बेक हुआ था, ये भी अंदर से देखिए बहुत जूसी है। अब हम कढ़ाई को गरम करेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर गरम करेंगे। आप चाहे तो तेल बिल्कुल यूज़ ना करके पूरा बटर से ही ग्रेवी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो हमारा फ्लेम है बिल्कुल लो रहनी चाहिए, नहीं तो बटर जल जाएगा। अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। बटर चिकन में थोड़ा ज़्यादा जिंजर गार्लिक यूज होता है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। इसका कच्चापन चले जाने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालने से कलर बहुत अच्छा आएगा ग्रेवी का, और इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे नहीं तो ये जल जाएगा। और इमीडिएटली इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे। मैंने टोमेटो को काट के इसको ग्राइंड करके इसका प्यूरी बना लिया है, 2 टमाटर ली थी। आप चाहे तो ये टमाटर प्याज के साथ बॉयल करके पीस सकते हैं उसको, मैं भूल गई थी इसलिए बाद में इसको चॉप करके प्यूरी बनाई। और इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए, और तेल जब ये ऊज आउट हो जाएगा तब हम इसमें जो रेडी किया हुआ मसाले थे पहले से पेस्ट बना के रखे थे वो डालेंगे। 2-3 मिनट पकाएंगे टमाटो प्यूरी को अच्छे से, क्योंकि ये कच्चा है, कच्चा प्यूरी बनाया था इसलिए इसको पकाना ज़रूरी है। अब इसमें जो रेडी किया हुआ पेस्ट था वो डाल के अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे और अच्छे से भूनेंगे इसको। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे और पकाएंगे। इसी टाइम आप स्वाद के हिसाब से नमक डाल दीजिए, नमक डालने से मसाला जल्दी पक जाते हैं। इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे हम कुछ देर पकाएंगे। अभी ऑलमोस्ट मसाला पक चुके हैं, देखिए तेल भी ऊज आउट हो गए हैं। अभी इसमें 1 टेबलस्पून बेसन डाल के इसको भूनेंगे, इसके साथ मसाले के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। बेसन डालने से हमारा जो ग्रेवी है बहुत थिक हो जाते हैं, इसी तरह रेस्टोरेंट में बेसन डाल के ग्रेवी को थिक किया जाता है। अब देखिए कितनी अच्छी तरह से मसाला पक चुके हैं
ऑयल भी ऊज आउट हो गए हैं। इसी टाइम हम भुना हुआ कसूरी मेथी 1 टीस्पून इसमें मिलाएंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें 2 ग्लास के करीब गर्म पानी डालेंगे। हमेशा मैं नॉनवेज डिशेस में गर्म पानी यूज़ करती हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जो ग्रेवी का। अभी इसको मीडियम फ्लेम पे, नहीं तो हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने तक हम पकाएंगे। अब बॉयल आ चुकी है, अब इसमें जो हम चिकन टिक्का बनाया था वो डाल देंगे। कवर करके 5-7 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब हमारा जो बटर चिकन है लगभग रेडी है, इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम अभी क्रीम डालेंगे, 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम मैं डालूँगी। आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बटर चिकन है तो थोड़ा क्रीमी टेक्सचर रहेगा, इसलिए मैं 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम इसमें ऐड करूँगी। इसमें 1 टीस्पून चीनी मिलाएंगे, आप चीनी के बदले टोमेटो केचप 1 टीस्पून ले सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को मिलाएंगे और इसमें गरम मसाला डाल देंगे। अब रेडी हो चुका है, गैस को ऑफ कर देंगे और कुछ धनिया पत्ते काट के इसमें डाल देंगे। अभी देखिए हमारा जो बटर चिकन है रेडी है, इसमें थोड़ा क्रीम डाल के गार्निश कर देंगे। टेक्सचर देखिए कितना अच्छा कलर आया है, हमने जो तेल गरम करते वक्त इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाली थी, इसके लिए इसका कलर ऐसा लाल आया है। हमारा चिकन बहुत सॉफ्ट बने हैं, बहुत जूसी और एक क्रीमी टेक्सचर है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है और खाने में भी बहुत डिलीशियस है। आप इसे ज़रूर बनाइए और मुझे आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। धन्यवाद।